लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कोरोना फैलाने का काम कांग्रेस ने किया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। तमाम महाराष्ट्र में कांग्रेस ने आंदोलन किया, नागपुर में भी ये आंदोलन किया गया, जिसमें शहराध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बात करते हुए कहा कि देश में जो कोरोना फैला है उसका जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने मजदूरों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने अपने गांव चले जाए, और जहां पे कोरोना नहीं बढ़ा था इन मजदूरों के कारण कोरोना बढ़ा है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने लोकसभा में दिया है। कांग्रेस इसी स्टेटमेंट के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध कर रही है, नागपुर में ये विरोध चल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी है, जो विधायक भी है। सर, क्या बताऊँगे जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया है उसे क्या कहूँ? मुझे लगता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए, अपना पाप दूसरे के सर मरने के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट है। लॉकडाउन लगाते वक्त अगर हमने सोच समझ कर लॉकडाउन लगाते कि जो रोजगार राज्य में पर राज्य से आया हुआ है, पर प्रांतीय है, और उसका रोजगार छीना जाएगा तो वो दौड़ा दौड़ा आपके गांव की तरफ भागेगा, यह उनके समझ में उस वक्त नहीं आया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्रीय संस्कृति है, कोई मुसीबत में है तो उसके लिए हाथ बढ़ाना, और जिस वक्त लॉकडाउन लग गया, काम धंधे बंद हो गए, जो परप्रांतीय लोगों का रोजगार छीना गया, ऐसे वक्त जो अपने गांव जाने के लिए रास्ते पर अपने हाथ में झोला लेकर तैयार थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, जाने के लिए साधन नहीं था, और ऐसे वक्त अगर इस महाराष्ट्र की जनता उनकी मदद के लिए आती है तो मुझे लगता है ये क्या देशद्रोह है, ये हमारा दुर्दैव है कि ऐसी घटना को हमारे पंतप्रधान देशद्रोह बताते हैं। और उनके नज़र में अगर ये देशद्रोह है तो महाराष्ट्रीयन लोग ये देशद्रोह का गुनाह फिर से करने के लिए तैयार है। अगर कोई मुसीबत में फंसता है तो उसको सहारा देना हमारा दायित्व है, और उसकी मदद करना हमारा दायित्व है, और इसके लिए चाहे कोई भी गुनाह लगे यह लेने के लिए हम तैयार हैं। मगर मुझे लगता है कि पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जो भाषण दे रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, वो लोकसभा और राज्यसभा का विषय नहीं था, वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग में भाषण दिए समान कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इतनी कांग्रेस की दहशत उनके दिल में है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने इस कोरोना के कार्यकाल में अगर किसी की मदद की होगी तो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट का, इसका उन्होंने जो आज हम कर रहे हैं वैसे ही काम उन्होंने करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कोरोना कार्यकाल में अगर सही में उन्होंने जनता की मदद की होगी, जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके लिए रास्ते पर उतर के उनका कुछ काम किया होगा, तो उन्होंने आज यहाँ पर निषेध करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि ये महाराष्ट्र की इज्जत का सवाल है। एक महाराष्ट्रियन आदमी पे जिसकी संस्कृति है दूसरे की मदद करना, उसके ऊपर अगर देश के पंतप्रधान बोलते हैं तो ये महाराष्ट्र की इज्जत का सवाल है, महाराज की अस्मिता का सवाल है। सर, उन्होंने राज्यसभा में ये भी कहा अगर कांग्रेस ना होती तो 1984 के दंगे ना होते, जो देश पीछे है वो नहीं होता, कांग्रेस ना होती तो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप क्या कहें? अगर कांग्रेस ना होती तो ये बोलने वाले ही ना होते, कांग्रेस थी इसीलिए ये देश है, ये देश में बनने वाली सुई भी कांग्रेस ने बनाई है। ये देश को आज़ादी किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई है, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले कौन थे, तब ये लोग कहाँ गए थे, इसका भी ध्यान उन्होंने देना चाहिए। सर, मोदी जी का जो स्टेटमेंट रहा लोकसभा और राज्यसभा में, उसको क्या कहूँगे? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश में 1984 के दंगे ना होते, कांग्रेस नहीं चाहती कि महात्मा गांधी जो विचार कर रहे थे वैसा देश बने, और कांग्रेस ने ही कोरोना फैलाया देश। देखिए, ये सारे भारत के जनता को मालूम है कि कोरोना किसके वजह से आया है। अगर ट्रंप का प्रोग्राम अगर नहीं होता तो कोरोना, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना भारत में नहीं आता। राहुल गांधी जी ने इनको 10 बार बताया था कि भैया कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करो, उसके बावजूद भी इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं किया। ये जो भारत के अंदर में कोरोना आया है ये तो मोदी की देन है। रहेगी बात महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने के बारे में, इनके औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की कि कांग्रेस के बारे में और नेहरू परिवार गांधी परिवार के बारे में बोलने की। जब भारत को स्वतंत्र मिलाना था तब कहाँ थे ये लोग? नरेंद्र मोदी था, उसका बाप था कि कौन था यहाँ पर? उस वक्त में कांग्रेस थी, गांधी परिवार था, नेहरू परिवार था, इनके वजह से देश स्वतंत्र हुआ है। और आज ये पूछ रहे देख कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने किया वो ये नहीं कर सकते। आज ये बीजेपी के लोग
और ये नरेंद्र मोदी कांग्रेस और गांधी परिवार को टारगेट करके कर रहे हैं। आप देखो जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया है राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर में, जिस प्रकार एक आधा हताश एक आधा आदमी हो जाता है। आपको मालूम है पांच राज्य के अंदर में इलेक्शन लगे हुए और वहाँ पर पांचों राज्य के अंदर में इनको हार दिख रहा है, इनका पराभव दिख रहा है, इसलिए हताश होकर इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम इस स्टेटमेंट का कांग्रेस पार्टी और पूरे भारत के जनता इसका निषेध कर रहे हैं और इसी के लिए आज हम यहाँ पर निर्देशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित पांडे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।